इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप के अंदर। और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले प्लस वाले ऐप पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट पर टाइप करेंगे। करने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से हम लोग अपने वीडियो को लेंगे। जिस भी वीडियो को एडिटिंग करना होगा तो सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो को लूँगा। इसको लेने के बाद इस वाले वीडियो को लेने के बाद हम लोग इस वीडियो पे एक बार टाइप करेंगे। इस पर टाइप करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस पर एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे चैनल रिमैप आरजीबी। इस वाले आइकॉन को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और देखिए ये जो जी वाला ऑप्शन है जी वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ से वाई कर देंगे और वाई करने के बाद बी वाला ऑप्शन है इसको हम लोग जी कर देंगे। देखिए हमारा फोटो, देखिए हमारा वीडियो कितने अच्छे प्रकार से कलर इसका चेंज हो गया। इसको चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको बैक कर देंगे और बैक करने के बाद फिर हम लोग एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसको हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे। इसको करने के बाद हम लोग अपने सेचुरेशन को हम लोग अपने 20 कर देंगे। देखिए यहाँ से 20 कितने अच्छे प्रकार से हम लोग इसको अपने 20 कर दिया। इसको यहाँ से इस तरह कर दें, फिर हम लोग यहाँ से कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग एक शेप लेंगे और इस शेप को हम लोग ग्रीन नहीं हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और देखिए इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। देखिए इतना कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। इस सेव को हमने यहाँ से देखिए इसको थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको फिल कॉम्पोजिशन एरिया इसको कर देंगे। करने के बाद हमने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग डिफरेंस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। डिफरेंस में जाने के बाद हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। करने के बाद हम लोग फिर इसको एक बार क्लिक करने के बाद हम लोग इसको एड इफेक्ट में जाएंगे। एड इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से प्लस पर टैग करेंगे, इस पर यहाँ पर सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे। फिर इसको इधर से इस तरह कर देंगे। फिर यहाँ पर एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर हम लोग सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे और इसको हम लोग इसको अपने कुछ इस प्रकार से 400 कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ से अपने कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको 400 कर देंगे। इसको यहाँ से इस तरह कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोजर गामा सर्च करें। देखिए हम लोग एक्सपोजर एंड गामा पर क्लिक करेंगे और इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कुछ अपना -60 कर लेंगे। इसको देखिए -60 करने के बाद इसको हम लोग कुछ 960 कर लेंगे। फिर इसको हम लोग अपना कुछ यहाँ से 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे। फिर करने का इसको इस तरह कर देंगे। फिर देखिए हम एक बार और क्या करेंगे, प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और स्टेप लेंगे। इसको कलर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसको इस प्रकार कर देने के बाद इसको हम लोग फिर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद ब्लेंडिंग पर जाएंगे, ब्लेंडिंग जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट पर जाएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से ओवरले पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा, देखिए दोस्तों हमारा वीडियो कितना अच्छे प्रकार से क्लिक हुआ है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए HDR कितना अच्छे तरीके से हम लोग का वीडियो हो गया है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए HDR कितने अच्छे प्रकार से। देखिए अभी थोड़ा सा एक और काम करिए, इसको फिर यहाँ से हम लोग प्लस वाला आइकॉन क्लिक करेंगे, एक और स्टेप ले लेंगे थोड़ा सा और क्लियरिटी देने के लिए। इसको हम यहाँ से बड़ा कर देंगे, बड़ा करने में कलर एंड फिर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से वाइट कर लेंगे। फिर वहाँ से वही प्रक्रिया करना है, ब्लेंडिंग में जाना है, फिर कॉन्ट्रेस्ट में जाना है। देखिए इसके बाद ओवरले कर देंगे और इसके थोड़ा ब्राइटनेस को हम लोग 70 कर लेंगे। 70 करने के बाद 70 नहीं, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग 75 कर लेंगे। 75 करने के बाद देखिए, रुक जाइए, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अपने
वीडियो को बराबर कर लेंगे। करने के बाद देखिए इसको कुछ यहाँ से अपने इस प्रकार देखिए हमारा वीडियो कितना अच्छा प्रकार से देखिए हो रहा है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, इसको हमने यहाँ देखिए इस पर इस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लाकर इसको इस तरह कर देंगे। इसको इस तरह करने के बाद फिर इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर भी इसको भी इधर ले जाकर यहाँ से इसको भी कर देंगे। फिर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा इसको फिर उसी तरह से इसको भी कर देंगे। देखिए हमारा वीडियो कितने अच्छे तरीके से हम लोग का वीडियो ग्रो हो गया। देखिए देखिए हमारा वीडियो कितने अच्छे तरीके से हम लोग का ग्रो हो गया। देखिए हमारा वीडियो, तो हम वीडियो को अपने सेव करेंगे, यहाँ से इस वाला आइकॉन पर जाएंगे और यहाँ से वीडियो पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।